नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी नायक आज फिर आप सभी के सामने एक नई सोच के साथ आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ कि दुनिया भर में 33% निर्यात करने वाला देश व दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा भारत देश है। मैं बात कर रही हूँ उन देशवासियों की, हाँ मैं बात कर रही हूँ उन देश विद्रोहियों की जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन भारतवासियों की जो आए दिन जो चीन के उत्पादों का प्रयोग करते हैं व जो आए दिन हमारे देश के जवानों को मार गिराते हैं, पत्नी को विधवा, बच्चों को अनाथ व माँ की कोख सूनी कर जाते हैं। इसी बात पर आज मैं आप सभी को एक कविता कहना चाहूँगी, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। कि भारत माँ का आंगन देखो प्रेम भाव से मचल रहा है, हाथ कभी आशीष देता वो तो कमल भी खिल रहा है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अब रुपया कुछ बढ़ रहा है, पर सुनो एक बात कहूँ, मेरा देश जल रहा है। वीर सपूतों को सीमा पर घुट घुट के मरते देखा है, स्वाभिमान के खातिर अब खुद से खुद को लड़ते देखा है। मैंने कुछ अंधे गूंगों से सुना है मेरा देश बदल रहा है, पर सुनो एक बात कहूँ, मेरा देश जल रहा है। भारत माँ के सर पर देखो ये ड्रैगन मंडराता है, सीमा पर खड़े सैनिकों को घायल कर जाता है। जब देखो हमलों की धमकी हर दिन ये आग दिखाता है, पर अपने बेटों के कातिल को इस देश से पैसा जाता है। यह सब करने के पीछे विश्वासघात की बात रही है, क्या अपने दुश्मन को मार गिराने की अपनी यही औकात रही है। झांसी की रानी भगत सिंह सा सबको बन दिखलाना है, इस ड्रैगन के पंख काटकर इस देश से मार भगाना है। हम देश हिंद इस देश का स्वदेशी अपनाएंगे, घर की शक्ति घर में रखकर महाबली कहलाएंगे। भोले बाबा का डबरू डम डम हम ही बजाएंगे, तिब्बत के कैलाश पर गाढ़ तिरंगा आएंगे। आओ हम सब मिलकर चीन का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपना कर भारत का सपना साकार करें। दिवाली पर दीप हमारे रक्षा का बंधन हो अपना, आओ हम सब मिलकर स्वदेशी स्वीकार करें, आओ हम सब मिलकर चीन का बहिष्कार करें। धन्यवाद।